हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ डी ई, यानी ये एक फिगर है पी क्यू आर, और ये क्या है ओ ई एफ और डी। तो इसमें दिया हुआ है कि डी ई जो दिया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, यानी डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, यानी डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये ई एफ है, यानी ये जो ई एफ है ये पैरेलल है क्यू आर के। तो सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, बी ई पैरेलल टू क्यू आर, बी ई पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, बी ई पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर। और प्रूव क्या करना है हमें कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और ई एफ पैरेलल टू क्यू आर का मतलब है यानी पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो इसका मतलब है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें बेसिकली प्रूव करना है। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या 6.2 तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे ज्यादा ध्यान ध्यान रखने की जरूरत है कि थ्योरम 6.1 जो है उसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम या बीपीटी भी बोलते हैं, और थ्योरम 6.2 को हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं, यानी थ्योरम 6.2 को हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो आप देखें डी ई पैरेलल टू ओ क्यू ये कौन से ट्राइंगल में एग्जिस्ट करती है, पी ओ क्यू, तो क्या होगा कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये जो साइड इस तरीके से इसमें पैरेलल क्या होगा ट्राइंगल पी ओ क्यू में, कि जब डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है तो होगा पी डी अपॉन डी ओ, किसके इक्वल होगा पी ई अपॉन ई क्यू, ये क्या है इक्वेशन नंबर वन। और ये किससे हुआ है, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम और थ्योरम 6.1 भी कहते हैं, और थ्योरम 6.1 को कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब सेकंड है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यानी डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल पी ओ आर, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर में क्या होगा कि पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर, ये है इक्वेशन नंबर टू, और ये भी किससे है, बाय बीपीटी। अब यहां से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या होगा, क्या आएगा कि पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि यहां पर पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पी ई अपॉन ई क्यू के, और सेकेंड इक्वेशन में पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम
यह बाय कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम या बाय थ्योरम 6.2 बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो क्या होगा कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और ये करना था हमें प्रूव। तो ये है एक्स, तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि ए बी एंड सी आर, ये क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर, यानी ये क्या है पॉइंट्स के नाम पी क्यू आर। अब क्या है कि ए बी और सी किस पर पॉइंट है, कि ए एक पॉइंट किस पर है और ये है ओ, तो ए जो पॉइंट है वो है ओ पी पर, यानी इस पॉइंट का नाम है ए, और बी जो पॉइंट है वो है ओ क्यू पर, इस पॉइंट का नाम है बी और इसका नाम है सी। अब ए बी क्या है, पैरेलल है बी क्यू के, यानी ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, और हमें प्रूव क्या करना है कि बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो गिवन क्या है कि आप लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ये ओ आर पर है, सी जो पॉइंट है वो ओ आर पर है, ओ आर रेस्पेक्टिवली, और ए बी क्या है, पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। तो ये तो है हमें गिवन की ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के, और प्रूव क्या करना है हमें कि बी सी जो पैरेलल है वो पैरेलल है क्यू आर के, यानी ये बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के, अगर ये प्रूव कर देते हैं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, तो बाय थ्योरम 6.2 क्या होगा, बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। अब सबसे पहले देखिए कि इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसमें क्या है पी ओ क्यू में कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। अब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब है कि ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के, किससे बाय बी पी टी बाय, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या है कि ए सी पैरेलल है पी आर के, जब ए सी पैरेलल है पी आर के, तो इसका मतलब है कि ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन सी आर के, ये भी किससे होगा, बाय बी पी टी, और ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन है ओ ए अपॉन ए पी,
इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, और सेकंड है यहां पर ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या है कि ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वो क्या होगी कि वो लाइन की वो लाइन अपोज आएगा, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है तो क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा कि बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ये किससे है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बाय थ्योरम 6.2। और यही करना था हमको प्रूव। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का 7th क्वेश्चन। ये हमें करना है बाय थ्योरम 6.1 यानी थेल थ्योरम या बीपीटी थ्योरम से हमें ये करना है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये इस थ्योरम को आप ऑलरेडी 9th क्लास में प्रूव कर सकते हैं। इसका ना इस थ्योरम को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर ये आपको प्रूव करनी है, लेकिन करनी है बाय थ्योरम 6.1 से। तो इसमें क्या है कि बेसिकली एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल की ये जो ट्राइंगल का मिड पॉइंट है इसका एक पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी, एक का ई। तो ये जो मिड पॉइंट के एक साइड से दूसरे साइड तक साइड जा रही है डी ई, ये है बी सी के पैरेलल कि डी ई पैरेलल टू बी सी एंड पहले और बाइसेक्ट द थर्ड साइड कि डी ई पैरेलल तो है बी सी के, लेकिन जो डी है वो जो ये ए सी साइड है ना थर्ड वाली साइड इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि ए ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई सी। तो इसमें गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और प्रूव क्या करना है कि ये बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, यानी हमें प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी। अगर ये प्रूव हो, ये अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये प्रूव कर देती है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या है गिवन यानी दिया हुआ है। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है कि ए डी इक्वल टू डी बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है यानी ए डी डी बी के इक्वल है। और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी क्या होगा वन, कि ए डी को डी बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। और सेकेंड हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये भी क्या है गिवन। अब बाय थ्योरम 6.1 क्या होगा, अगर डी पैरेलल है बी सी के तो क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को करेंगे कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है वन के, तो ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आया वन के। अब तो यहां से क्या आया ए ई किसके इक्वल आया ई सी के, ये ही करना था हमें प्रूव, हेंस प्रूव।
तो ये था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या करना है हमें, ग्रुप प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल और इज और ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी जो ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसके जो मिड पॉइंट हैं इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है यानी डी और ई, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है डी ई ये पैरेलल है बी सी के, यही हमें इसमें प्रूव करना है। गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इन विच D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या है गिवन। अब जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ए डी इक्वल टू डी बी, AD इक्वल टू DB, या फिर कहें कि AD अपॉन DB किसके इक्वल है 1 के, ये है इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहां से क्या होगा कि AE इक्वल टू क्या होगा EC, यानी AE अपॉन EC किसके इक्वल है 1 के, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा AE अपॉन EC के। जब AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के यानी करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो क्या होगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी किससे होगा, ये बाय थ्योरम 6.2, ये करना था हमें प्रूव, तो हैंस प्रूव। अब इसका अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है और जिसमें क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी सी और इसके जो डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं वो करते हैं पॉइंट ओ पर, तो हमें क्या प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो गिवन क्या है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी क्या है पैरेलल टू बी सी और प्रूफ क्या करना है हमें ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ और इसके डायगोनल का हम मीट करते हैं पॉइंट ओ पर। तो इसमें तो सबसे पहले मैं इस तरीके के क्वेश्चन में यानी जहां पर थ्योरम 6.1 या 6.2 यूज होती है तो हमें ट्राइंगल बनाना जरूरी है और उस ट्राइंगल में एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए भी पैरेलल है डी सी के लेकिन ये दोनों साइड एक ट्राइंगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यानी ओ को यहाँ मीट कर इस पॉइंट को ओ से मीट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम ई। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन E एंड O और ये क्या है कि OE है वो किसके पैरेलल है
ए बी के और ओ ई पैरेलल है सी डी के। अब देखें आप पहले कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा कि ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, यानी ये ओ ई पैरेलल है ए बी के। तो इसका मतलब है ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के, और किससे होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये है इक्वेशन नंबर वन। अब सेम है कि ओ ही पैरेलल है डी सी के, तो हम ये साइड कौन से, ये दोनों साइड जो है जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, वो कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी। यानी इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, ओ ई जो पैरेलल है वो किसके है, सी डी के। अब ओ ई पैरेलल है सी डी के, तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन सी ओ, और ये किससे है, बाय बीपीटी यानी बाय थ्योरम 6.1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों साइड में क्या कॉमन है, ए ई अपॉन, यानी दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है कि दोनों ही इक्वल है ए ई अपॉन ई डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से क्या होगा, बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल आएगा, ए ओ अपॉन सी ओ के। और हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं कि बी ओ को सी ओ की जगह ले जाएंगे और सी ओ को बी ओ की जगह ले आएंगे। तो क्या होगा, सी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन बी ओ के, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू है सी ओ अपॉन डी ओ के। और यही करना था हमें प्रूव, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि the diagonals of quadrilateral intersect each other at point O. एक quadrilateral है A, B, C, D. और इसके डायगनल कहाँ मीट करते हैं, डायगनल मीट करते हैं पॉइंट ओ पर, और ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू है सी ओ अपॉन बी ओ। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल, जो ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम है। ये क्वेश्चन सेम, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका अपोजिट है। तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम कब प्रूव होगा, जब ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के, और ए बी पैरेलल, अगर ए बी पैरेलल है बी सी के तो क्या है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगनल्स मीट एट पॉइंट ओ, और ए ओ अपॉन बी ओ क्या है, इक्वल टू है सी ओ अपॉन डी ओ के। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये करना है हमें प्रूव कि जो ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम है, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी। अब इसमें भी, यानी आप देखेंगे कि हमें ऐसी, यानी जो दो ट्राइंगल लेने हैं और उसमें एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल लेनी है, तो इसमें कोई, यानी ऐसी कोई साइड है नहीं अभी, तो यहां से हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हमने ज्वाइन किया ज्वाइन ई एंड ओ, और ये ओ ई क्या है, वो पैरेलल है ए बी के, ओ ई पैरेलल है ए बी के।
तो इससे क्या होगा कि ओ ई पैरेलल है ए बी की, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या है कि ओ ई पैरेलल है ए बी के। अब ओ ई पैरेलल है ए बी के तो इसका मतलब है ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ के, और ये किससे आया, बाय बी पी टी, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। और ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ के, ये क्या है गिवन। अब इसको हम लिख सकते हैं कि इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे, यानी बी ओ यहां चला जाएगा और सी ओ यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा कि ए ओ अपॉन सी ओ किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को करेंगे कंपेयर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा कि दोनों ही इक्वेशन किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ के, तो यहां से क्या आएगा कि ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आएगा, ए ओ अपॉन सी ओ के, यानी ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब है कि ओ ई किसके पैरेलल होगा, बी सी के, किससे होगा, बाय थ्योरम 6.2, यानी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब ओ ई देखिए पैरेलल है ए बी के और ओ ई पैरेलल है बी सी के, यानी ओ ई ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है, तो यहां से क्या होगा कि ए बी होगा बी सी के पैरेलल, कि लाइन पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, कि लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ओ ई पैरेलल है ए बी के और ओ ई पैरेलल है डी सी के, तो क्या होगा कि ए बी जो पैरेलल होगा डी सी के पैरेलल होगा, और हमें प्रूफ क्या करना था कि ए बी डी सी के पैरेलल है, तो इससे क्या है मतलब कि ए बी सी डी क्या है, देयरफॉर ए बी सी डी क्या है, इज ए ट्रेपीजियम, कि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ये थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरम 6.1 या कहें तो थेल थ्योरम या बीपीटी, और थ्योरम 6.2 यानी बाय, यानी थ्योरम 6.2 को क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में यूज होने वाला टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी हम दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ये कैसे प्रूव करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।